ये बताओ कि इस चीज का क्या सेंस बनता है? नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो तुम लोग। देखो तुम सब लोग यही कपड़े पहनने वाले हो। क्या मतलब तुम्हारा कि हम लोग पहनने वाले हैं? ये पैंट के ऊपर पैंट तुम ही चढ़ाओ। बस छोड़ो जिनको बाद में सुनना आप तुम लोग। अगर इसको पहनने के बाद हम लोग पीछे से देखें तो ऐसा लगेगा कि नंगा है बंदा। हाँ ये बात मैंने भी सोची थी कि हम में से कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट पैंट नहीं पहनते, तो इसलिए मैंने साथ में लॉन्ग पैंट भी तैयार की। हां इसीलिए तो ये मेरे पास आए थे लेगिंग्स मांगने। जिमिन क्या तुम्हारे पास लेगिंग्स है? मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है। मगर ये जुराबे तुमने कहाँ से ली? लग रहा है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। प्लीज आप हमें डिसाइड करके बताएं। गेम को एक बार फिर खेला जाएगा लेकिन इस बार सिर्फ जी हो और जी विन खड़े होंगे। ओ नो मैं शुगा के कपड़े नहीं पहनना चाहता। जाओ पार्क जी विन के पास जाओ। खराब वक्त जी विन ये तुम्हें कैसे पता था कि पार्क जिमिन कहाँ पे खड़ा है? हे जिमिन मुबारक हो कि तुम जिन से बच गए। हे यार तुम लोग का बहुत शुक्रिया। मुझे तो जिमिन से जलसी हो रही है। हे मुझे तो सुखजिन के कपड़ों के साथ साथ जंकुक के कपड़ों से भी डर लग रहा है। ओके तो फिर रेडी हो जाओ। ये तो जंगकुक है। ओ वाह मैंने जंगकुक को कभी भी ऐसे स्टाइल में नहीं देखा। जंगकुक तुम्हें मुबारक हो। हे मुझे तो जिनके करीब आने से भी बहुत डर लग रहा है। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि मैं जंगकुक का ही पार्टनर बनूं बस। क्या मतलब तुम्हारा? यहाँ पर तो मैं खड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल ये देखो तुम दोनों ही यहाँ पे खड़े थे। चलो वीडियो को पीछे करके देख लो। ये मैं नहीं हूँ जंगकुक शुगा ये रहा। तुम यहीं पे खड़े हो ना? एक बार फिर से करो ये मैं नहीं हो सकता। तो हमारी प्रोडक्शन टीम ने ध्यान से देखा है कि ये शुगा ही है। बकवास है इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो फिर तुम्हें अपने पाल जोड़ के खड़े होना था। ओ भाई शुक्र कर कि तुझे जिन के कपड़े नहीं मिले। हे तुम्हारा क्या मतलब मेरे स्टाइल में क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं तो इसको ट्राई करना चाहता हूँ। तो ठीक है मैं तुमको चूज करूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओ एक मिनट रुको पहले मुझे जाने दो। हाँ जिनको तो पहले जाना चाहिए। जी हाँ मेरी नजर तुम पर ही है। मैं बस तुमको ही देख रहा हूँ। बता रहा हूँ इसको पहन के तुम हीरो लगोगे। एक मिनट रुको मुझे लगता है ये भी है। मैंने जीहोप को टच किया है इसलिए ये जीहोप ही है। हे इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। मुझ पे यकीन रखो तुम बहुत अच्छे लगोगे जीहोप। जिन लेफ्ट साइड पे है ना? अब वो फिर सेंटर में आ गया है। हमका ये तुम ना वाह ये जानदा वाह ये जानदा वाह ये मुझे
आज हम लोग एक दूसरे का स्टाइल करने वाले हैं। ओ तो मतलब मैं और वी पार्टनर है। मुबारक हो तुम्हें वी। तो मैंने जो स्टाइल तैयार किया था वो अपने पार्टनर के फ्रेम के हिसाब से तैयार किया था, लेकिन जंकू की बॉडी कुछ पिच की है। तुम जैसा भी चाहते हो वैसा उसको ड्रेसअप कर सकते हो। इस ड्रेस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे कपड़ों में तो मैंने इसको कभी भी नहीं देखा। मैं ये स्टाइल ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने जंकू को कभी भी पिंक ड्रेस में नहीं देखा। ओके तो फाइनली अब बारी है मेरे पजामे की। क्योंकि हमारा साइज मिलता जुलता है तो मुझे लगता है जिमिन को ये फिट आएगा। इसको पहन कर या अवार्ड सेरेमनी पे भी जा सकता है। हे तुम्हारा पजामा इतना भी खास नहीं। हे क्या मतलब तुम्हारा? ये मैंने किसी खास दिन के लिए संभाल के रखा था, तभी तो अब तक स्टिकर भी लगा है। तो मेरा आउटफिट बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, इसको पहन के तुम्हें बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। तुमने क्या सोच के इसको आरामदायक आउटफिट कहा है? तुम्हें नहीं लगता कि पिंक कलर बहुत ही घुजी होता है? हाँ मगर ये जूते कैसे सिलेक्ट किए? अरे यार इसका तो फैशन ही खत्म हो गया है। ये जूते इनको तो मैंने ऐसे ही किसी खास दिन के लिए संभाल के रखा था। अरे नहीं मेरे पैरों में इतनी भी बदबू नहीं आती। कोई भी आइटम निकालने का मत सोचा, ये तुम्हें सारा कुछ पहनना होगा बस। क्या मुझे ये भी पहनना होगा? हे तुमने इसको कहाँ से खरीदा? भाई जिन पे तो सारा फैशन खत्म है। याद है ये वाला ड्रेस मिलिट्री कॉस्ट्यूम से बहुत मिलता जुलता है, और ऐसा ही ड्रेस हम लोगों ने अपने पहले शो चैंपियन पे पहना था। हाँ जंकू को मुझमें चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बिल्कुल, जब इसकी टॉप और पैंट अलग होती है तो ये अच्छा फील नहीं करता। हाँ इसको अपना बॉन बेयजस वाला बैग लाना चाहिए था। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में था इसलिए मैं ला नहीं सका। पर्सनली मुझे कैमोफ्लेज वाला पैंट बिल्कुल नहीं पसंद है। ये कैमो वाला तो नहीं है? नहीं ये कैमो वाला नहीं है, इसके ऊपर दरख्त बने हुए हैं और पत्ते बने हुए हैं। बिल्कुल